गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ओम। जेडी भी स्टूडेंट्स मैथ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं ज करना चाहते हैं और बहुत ईजीली इस चैनल तो तैयारी अपनी कर सकते हैं। सो जो तुम फर्स्ट टाइम आए हो दैन प्लीज डोंट फोरगेट टू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब। ठीक है जी, तो अज आप डिफरेंशियल इक्वेशंस नू कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स के मैं थोड़े ना ये जो बाकी का टॉपिक है वो शेयर करूँगी क्योंकि ठीक है। चलो दसो, अज आप डिस्कस करांगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे। आप हूँ तक जो भी डिस्कस किया सब कुछ सीगा लीनियर के बारे। ठीक है, कि तुम जेकर थोड़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम किस तरीके सॉल्व कर सकते हो, किस तरीके उसमें इवैल्यूएट कर सकते हो। अज का अपना जो इंपोर्टेंट टॉपिक और काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अज का जो टॉपिक है दैट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की है, इसमें किमें सॉल्व करना है, पता किमें लगेगा हैगी है कि नहीं हैगी है। कई बार अपने सिर्फ इन्ना का क्वेश्चन आ जाता है कि दसो जो तो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जो कोई भी फंक्शन दिता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, है ना। सो सारा कुछ आप देखा। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट फिर अज के टॉपिक न। अज का जो टॉपिक है दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सब तो पहला तो अपने को होया करेगा कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होया करेगी इन दिस फॉरमैट। ठीक है जी, इन दिस फॉरमैट अपने कोई ना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होया करेगी। हम डिफरेंशियल इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स और वाई हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, तो जेकर तुम इसके वेरीएबल सैपरेट करोगे तो थोड़े को बन जाएगा डी वाई बन जाएगा विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इन टू डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, मैंने कितने वेरीएबल सैपरेट कर ली। तो हम इसको और किस फॉरमैट के लिख सकते हो, इसमें कुछ इस फॉरमैट के लिख सकते हो कि मेरे को जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स है माइनस डी वाई करोगे तो मेरे को इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो कुछ इस फॉरमैट के तुहाडे कोल ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन दिती होया करेगी। अगर बाय चांस नहीं दिती तो उसको इस फॉरमैट के बना लोगे। ठीक है, तो उसको इस फॉरमैट के बना लोगे तो डिपेंड करता तुहाडे दे उपर। ठीक है जी, क्लियर है। हम सब तो पहला डोंट टेक टेंशन, ये एग्जाम्पल्स भी करा एक बार आप कॉन्सैप्ट समझ लीए। तो हम ये अपना सब तो पहला काम की होया करेगा, मतलब कहता की है जी भी डिफरेंशियल इक्वेशन थानू दिती हुई है उसनों तुसी इस फॉर्म के बना लिया, मतलब आपने उसनों की करना है एम इंटू डी एक्स माइनस प्लस सॉरी एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म के बना लेना है। जो अपने को इस फॉर्म के आ गई तो यह मतलब की है कि जो डी एक्स के जो भी फंक्शन होएगा उसनों सारे तुम एम का नाम दोगे और डी वाई के जो भी फंक्शन होएगा उसनों सारे तुम एन का नाम दोगे। ठीक है जी, हुण इस तो बाद अपना काम की होया करेगा, अपना काम होया करेगा फाइंड आउट करना किसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना एम का विद रिस्पैक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना एन का विद रिस्पैक्ट टू एक्स। देखो डी एक्स के जो भी फंक्शन है उसनों तुम एम मनिया और उस एम का पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पैक्ट टू वाई और एन जो डी वाई के उसनों एन मनिया और एन का किया विद रिस्पैक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया। कहते अपने को दो कंडीशन बन दी ने, पहली कंडीशन की बनती है कि दोनों आपस के आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज कि दोनों ही आपस के आ जाएंगे इक्वल आ जाएंगे और दूसरी कंडीशन अपने को बनती है कि दोनों ही आपस के इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, तो ही दो चीज़ें बन दी जा इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अगर तो थोड़े को इक्वल है तो तुम कहोगे येस जो थोड़े को डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वह इक्वेशन की है एग्जैक्ट है। येस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन की है एग्जैक्ट है, तो मतलब कहता की है तुम्हें कुछ नहीं करना उसने एक सिंपल फॉरमैट के लैके आना है और उस फॉरमैट के लैके आने तो बाद उन्होंने डिफरेंशिएट करना है वो भी पार्शियल। अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो तुम कहोगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम तुम समझ गए होंगे कि जेकर वो इक्वल नहीं आते तो फिर तुम कहोगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, हूँ चलो ठीक है, पता लग गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हैगी है। हूँ अपने को आ जाता है कि उन्होंने सॉल्व किमें करना है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फाउंड। आराम नाल आपां इसका जो सोल्यूशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वह फाइंड कर सकते हैं। किमें फाइंड आउट करांगे, आपां इंटीग्रेशन करया करांगे एम दी विद रिस्पैक्ट टू एक्स। ठीक है, बट इतने ध्यान रखना इतने जो भी टर्म थोड़ी वाई वाली होएगी वह वाई वाली टर्म थोड़े को होया करेगी कॉन्सटेंट होया करेगी। प्लस तुसी की करया करोगे इंटीग्रेशन करया करोगे। ठीक है, किसका टर्म ऑफ टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स। ठीक है, तो मतलब जड़िया भी टर्म्स एन दे विच हैगी ने बट जिथे जिथे थोनू एक्स लग रहा है नजर आ रहा है उसनों आप लवांगे ही नहीं। ठीक है, तो इन्होंने दोनों की इंटीग्रेशन करके जो भी आंसर आएगा इज इक्वल टू सी यह तो की होया करूगा सोल्यूशन होया करूगा। दिस इज हूँ यदि एक एग्जाम्पल लेने फिर दोबारा इसको रिपीट कर दिया फिर थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक इक्वेशन है दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस
फाइव एक्स पावर फोर, ये सारा कुछ मैंने दिता हुआ है डी एक्स प्लस वाई प्लस थ्री एक्स क्यूब वाई स्क्यर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। हूँ मैं इनू की करना है कन्वर्ट करना है, सॉरी कंपेयर करना है, कंपेयर कि करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई देना। हूँ मैंने देखा कि मैंने इवैल्यूएट करने की लड़ नहीं है, ऑलरेडी डी एक्स के नाल एक फंक्शन है प्लस ऑलरेडी डी वाई के नाल भी एक फंक्शन है, तो मतलब मैं तो सिंपली कह सकती हूँ कि मेरे को एम की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री एक्स स्क्यर वाई क्यूब माइनस फाइव एक्स पावर फोर आ गई, और मेरे को एन की वैल्यू कितनी आ गई वाई प्लस थ्री एक्स क्यूब वाई स्क्यर आ गई। इस तरीके मेरे को एम की वैल्यू आ गई एंड एन की वैल्यू आ गई आराम के नाल, है ना। तो हूँ जेकर तुम इसको होर ध्यान नाल देखो तो आपने की कहा कि आपने एम का पार्शियल डेरीवेटिव फाइंड करना विद रिस्पैक्ट टू वाई, उल्टा ना कर दो, एम नूं आपां वाई दे नाल डिफरेंशिएट करना है पार्शियली और आपने एन नूं एक्स दे नाल पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पहले आप एम का फाइंड आउट कर लिए, हूँ जो तुम इसका वाई दे नाल विद रिस्पैक्ट टू डेरीवेटिव करोगे तो थोड़े को एक्स इत्थे की हो जाना, एक्स इत्थे की हो जाना, कॉन्सटेंट हो जाना। अगर थोड़े को एक्स इत्थे कॉन्सटेंट हो जाना है तो बस फिर तुम आप ही समझदार हो कि तुम डेरीवेटिव करना किवें है, ठीक है। तो हम एक्स का कॉन्सटेंट है, आप सिर्फ वाई नूं मेन रखना है, तो मेरे को कितना आ गया जी नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्योंकि एक्स कॉन्सटेंट है तो एवली टर्म तो मेरे को कितनी होगी जीरो, तो कुल मिला के मेरे को कितना आ गया नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही मेरे को डिफरेंशिएशन आ गई। उस तो बाद आपने एन का करना है विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो एन का विद रिस्पैक्ट टू एक्स कर लेने हैं। इस दे विच देखो वाई का मेरे को कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि कॉन्सटेंट है, मैंने की लैना वाई कॉन्सटेंट लैना क्योंकि एक्स के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरीवेटिव हो रहा है। एंड इसका जो तुम विद रिस्पैक्ट टू एक्स करोगे तो यह मेरे को कॉन्सटेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना आ गया नाइन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हुण तुहाडे सामने है दोनों ही चीज़ें आपस दे विच इक्वल आ गया, इट मीनस तुसी कह सकते हो कि यस दिस इक्वेशन इज अवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये नहीं आते इक्वल तो ठीक से, ठीक है, तो हुण इक्वल आ गया तो आप कहेंगे यस दिस इज अवर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तुहाडे माइंड च आ रहा होगा मैम ठीक है समझ आ गया, प्लीज़ हुण सोल्यूशन भी फाइंड आउट करके दिखा दो। तो सोल्यूशन दे विच सब तो पहले तो लिख लो जो आपने समझा सी कि एम दी डिफरेंशिएशन करनी है एक्स दे अकॉर्डिंग, जिहदे विच तुहाडा वाई की होएगा कॉन्सटेंट होएगा, ठीक है। प्लस मैंने की लिखनी है टर्म्स लिखनिया ने, टर्म्स किदे विच इन एन ओ वालिया टर्म्स जिदे विच एक्स नहीं आ रहा नॉट कंटेनिंग एक्स विद रिस्पैक्ट टू वाई, ठीक है। तो हूँ इज इक्वल टू मेरे को कितना हो गया सी हो गया, तो बस इसको सॉल्व करो फाइंड आउट करो तो आंसर आ जाऊगा, ठीक है। तो हम अपने को देखो एम की वैल्यू कितनी सी, पहले तो उसमें लिख लेंगे एम की वैल्यू मेरे को कितनी सी हैगी सी थ्री एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस फाइव एक्स पावर फोर, और इस सारे के मैंने एक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करनी है। बार बार इतने मैं लिख रही हूँ कि इतने अपना वाई जो है वो कॉन्सटेंट है, ठीक है जी। प्लस हूँ इतने ध्यान देखो मैं पहले इतने एन लिख लैनी है, एन मेरे को है वाई प्लस थ्री एक्स क्यूब वाई स्क्यर, कहने एन दियाँ वो टर्म्स लिखो जिदे एक्स ना हो, जिदे एक्स ना हो ये जेकर मैं ध्यान देखा सिर्फ वाई है ना, क्योंकि ये तो एक्स इनवॉल्व है क्या, तो इन आप नहीं लिखांगे तो इधर की जी भी टर्म जिद एक्स होएगा उसमें तुम्हें लिखना ही नहीं है, एवं नहीं है भी कॉन्सटेंट मान लो, नहीं तुम्हें लिखना ही नहीं है। तो इतने सिर्फ तो सिर्फ वाई आएगा क्योंकि वाई वाली फस्ट टर्म के एक्स है नहीं सी, दूजे है गया तो आप उसको नहीं लिखांगे, इज इक्वल टू समथिंग उच सी। बस हम डिफरेंशिएशन करनी तो अपन सारे नहीं आती है वो इसका सोल्यूशन होएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा थ्री एक्स क्यूब अपॉन थ्री वाई क्यूब माइनस एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव, सिंपल डिफरेंशिएशन कितनी है, प्लस वाई दी करोगे वाई स्केयर अपॉन टू आ जाएगा इज इक्वल टू सी, दिस इज यूर आंसर। थोड़ा बहुत होर इवैल्यूएट कर लियो लाइक फाइव ना फाइव कैंसिल थ्री ना थ्री हो तो कर ही लोगे तो यह थोड़ा की होगा आंसर होगा। हूँ थोड़े माइंड से हो रहा होएगा डाउट कि मैम जो तुम्हें कहा कि यह दोनों आपस इक्वल नहीं आते तो तुम्हें क्या कि यह साड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हैगी, जे तो जस्ट थोड़ा इन्ना क पूछे है कि एग्जैक्ट हैगी है या नहीं, फिर तो इतों तक थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। जो बाय चांस थोड़ा सोल्यूशन पूछे है फिर थोड़ा चैक करना पेगा कि एग्जैक्ट है या नहीं, जे तो एग्जैक्ट है फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको पहले करोगे एग्जैक्ट बनाओगे, ठीक है। जेकर हुण तुसीं इत्थे देख लिया कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो थोड़ा काम इत्थे की हो जाता है इसनूं एग्जैक्ट बनाना, तो इसनूं एग्जैक्ट बनाया किवें जाएगा वह देख लैने। हाँ जी, इट कैन बी मेड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय multiplying it with an integrating factor, होएगा अपने को
उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर नूं बोथ साइड दे उपर मल्टीप्लाई कर दूँ तो उस तो बाद इस नूं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, सो हुण इंटीग्रेटिंग फैक्टर थानूं देखना पएगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहड़ा होएगा जिहदे नाल तुसीं मल्टीप्लाई करोगे, उस तो बाद थोड़ा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, उस तो बाद एग्जैक्ट बन जूगी, फिर तुसीं सोल्यूशन कढ लोगे जिवें आपां पहलां कढ़िया सी। तो एक गल मैं इत्थे थानूं दसना चाहनी हाँ, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो यूनीक नहीं होंदा। ठीक है जी, वो यूनीक नहीं होंदा। ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे मोर दैन वन जां लोट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। सो इत्थे अपने कोल आपां जो कोशिश करांगे, ये कोशिश नहीं करांगे कि सानू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता लग जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बिल्कुल नहीं। अपनी कोशिश की होया करूगी, अपनी कोशिश होया करूगी कि जो ऑप्शनस ने वह सारिया दित्तियां होणगियां, उन्होंने ऑप्शन की हैल्प के नाल तुसीं फाइंड आउट करोगे कि किहदे नाल साडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जो किहदे नाल साडी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनती। ठीक है, क्लियर है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुसीं फाइंड आउट नहीं कर सकते, देयर आर अ लॉट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, यूनीक नहीं होंदा। ठीक है, सो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस नूं तुसीं किद्दां करया करोगे, बाय ऑप्शन करया करोगे। सो डू इट बाय ऑप्शन। मैम एक एग्जाम्पल, सो लो एग्जाम्पल कर लें, लैट मैनू कोई भी एक एग्जाम्पल दिती हुई है विच इज डी वाई माइनस वाई डी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। हुण हेयर इज नो डाउट कि इसनों जेकर तुसीं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के कंपेयर करते हो तो थोड़े को किन्ने आ जाती है, एम की वैल्यू आ जाती है जी, थोड़े को एक्स जी एम की वैल्यू थोड़े को किन्नी आ जाती है, एक्स आ जाती है। ठीक है जी, और एन की वैल्यू थोड़े को किन्नी आ जाती है, माइनस वाई आ जाती है। पार्शली डेरीवेटिव कर दो, ठीक है, इसका पार्शली डेरीवेटिव करोगे तो थोड़े को होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, ओके जीरो जीरो आ जाए तो ओके। आप जस्ट यही एग्जाम्पल लै रहे हैं ताकि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की गल कर सकिए, है ना। हम तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय ऑप्शन किवें फाइंड आउट करे करोगे उसकी गल हो रही है। ठीक है, तो तुम ऑप्शनस में चुकोगे, ऑप्शनस में मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शनस में फाइंड आउट करोगे। लैट मैंने इतने कोई भी एग्जाम्पल दी हुई है विच इज़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू जीरो, इदा करके मैंने कोई भी इक्वेशन दी होगी। मेरे को चार ऑप्शन होनगियां जिदे विच पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर होएगा, दूसरे दे विच कोई दूसरा होएगा, तीसरे दे विच कोई तीसरा होएगा, एंड फोर्थ दे विच कोई फोर्थ होएगा। ठीक है, तो सानू क्वेश्चन दे विच आएगा, सोल्यूशन फाइंड आउट करना नहीं आता क्योंकि काफ़ी लेंदी चला जाता है। तो आपां की मन्नांगे, आपां की करांगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट नूं ये नाल मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और उस तो बाद एन नूं भी आपां ने फर्स्ट दे नाल, लैट मैं फर्स्ट ऑप्शन चैक कर रही हाँ, क्वेश्चन करने का तरीका दस गया जस्ट कि मैंने पहला एम नूं आई वन दे नाल मल्टीप्लाई कर दी, एन नूं आई वन दे नाल मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, मैंने इसनों नाम दे दिया कि कुछ मेरे को एम डैश आएगा और इसनों सॉल्व करके कुछ मेरे को एम एन डैश आएगा। ठीक है, तो फिर जेकर मैंने देखा कि जो मैंने इन्हों के पार्शल मल्टीप्लाई की, मतलब पार्शल किया, तो मैंने देखा विद रिस्पैक्ट टू एक्स कि यह इक्वल आए हैं या नहीं। जे तो इक्वल आ गए फिर तो यही मेरा आंसर हो गया, जे अगर इक्वल नहीं आए, इफ दीज आर नॉट इक्वल, तो तुम बाकी ऑप्शनस में चुकोगे, बाकी ऑप्शनस में चैक करोगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो उन्होंने चारा के कोई एक ही ऑप्शन है जो थानू इस तरीके रिजल्ट देगी जिद दोनों ही चीज़ें आपस में इक्वल हो। ठीक है, दैन चैक अदर ऑप्शन, तो उन्होंने कोई एक आंसर होएगा। क्लियर है जी। ठीक है, इस तरीके नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट नहीं, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एग्जैक्ट नहीं है उन्होंने सॉल्व करने, और जी एग्जैक्ट है वो भी मैं तुम्हें दस दता। एक बार आर्टिकल दोबारा रिपीट कर लें। ठीक है, तो अपने कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी किसी भी फॉरमैट के हो सकती है, तो सब तो पहला परपज़ की होएगा उसमें इस फॉरमैट के कन्वर्ट करना। ठीक है, इस फॉरमैट के कन्वर्ट करने तो बाद एम का पार्शियल डेरीवेटिव करो, एन का करो विद रिस्पैक्ट टू एक्स, और एम का करो विद रिस्पैक्ट टू वाई। कंडीशन दो बनती है, जब इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे। अगर इक्वल होंगे दैन फाइंड इट्स सॉल्यूशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हैगी है। अगर इक्वल नहीं है तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हैगी। अगर इक्वल है ने तो उसका सोल्यूशन किमें करना है, एक एग्जाम्पल के नाल मैं थोड़ा उसका सोल्यूशन करके दिखा दिता। अगर वो इक्वल नहीं है तो भी मैं थोड़ा दस दिता कि ऑप्शन चुको, मल्टीप्लाई करो तो देखो कि एग्जैक्ट बन रही है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मल्टीप्लाई करके उसमें एग्जैक्ट बना सकते हो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आर नॉट यूनीक, दैट्स वाई आप की है इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है जी, येगा थोड़ा छोटा जहा टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई तो जरूर इसको लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करियो। थैंक यू सो मच।